हमीरपुर के गांधी चौक पर एनएसयूआई द्वारा कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रमोट करने सहित फीस माफी की मांग की गई और यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि स्टूडेंट्स देश का भविष्य हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल किट नहीं जिन पर प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 माह से स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। आईआईटी महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा सरकारें स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं, तो हिमाचल में क्यों नहीं किया जा सकते। स्टूडेंट्स देश का भविष्य है, न कि एक्सपेरिमेंटल किट जिन पर प्रयोग किया जाए। परीक्षा के दौरान यदि कोई संक्रमित स्टूडेंट आ गया तो अन्य स्टूडेंट्स को भी संक्रमण की संभावना बढ़ेगी। हमारी मांग है कि प्रथम व द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को 10% अतिरिक्त अंक देकर प्रमोट किया जाए। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार कोरोना के संकट को देखते हुए स्टूडेंट्स की 6 माह की फीस भी माफ करे। मैं छतर सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे गांधी चौक पे पीछे एनएसयूआई का धरना चल रहा है। इस धरने की जो मुख्य मांगे हैं, हमने पिछले 2 महीनों से लगातार सरकार से मांग की है कि छात्रों को प्रमोट किया जाए। इस माध्यम से हमने तहसीलदार के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, या स्कूल प्रशासन या कॉलेज प्रशासन के माध्यम से एजुकेशन मिनिस्टर या गवर्नर तक अपने मेमोरेंडम भेजे गए जिसमें छात्रों को प्रमोट करने की मांग की गई है। आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार हमारे से समानता का अधिकार छीन रही है। ये जो छात्रों को, छात्र प्रमोशन को लेकर एनएसयूआई ने ऑल इंडिया में मुहिम चलाई है, इसमें महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना सभी जगह छात्रों को प्रमोट किया गया है और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं किया गया है। और दूसरी जो बात है कि हम चाहते हैं कि एग्जाम होने चाहिए, जिस मोटिव को हम कर रहे हैं, पर एग्जाम मस्ट बट लाइफ फर्स्ट। अगर कोई छात्र परीक्षा केंद्र में एग्जाम देने आ गया है, पहली बात तो ये कि जो एग्जाम होते थे वो मार्च अप्रैल में होते थे, अब जुलाई में, जुलाई के बाद सितंबर में, इन कंडीशन में भी जो दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अगर वो कोई छात्र परीक्षा भवन में परीक्षा देने आ गया और अगर वो इन्फेक्टेड हो गया, वो सिर्फ एक छात्र को इन्फेक्टेड नहीं करेगा, वो उसके साथ अपनी क्लास को, उस क्लासरूम में जितने भी बच्चे हो गए वो इन्फेक्टेड हो गए, उसके बाद जितने बच्चे वो घर जाएंगे वो एक परिवार को इन्फेक्टेड करेंगे, एक समाज को इन्फेक्टेड करेंगे, एक जिले को करेंगे, एक हिमाचल को करेंगे। और दूसरी जो साफ शब्दों में जो सबसे मेन चीज़ है कि जो छात्र है वो इस देश का भविष्य है, छात्र इस देश का भविष्य है, कोई एक्सपेरिमेंटल किट नहीं जिस छात्रों पर प्रयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रदेश सरकार से मांगे रखी थी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाए और फाइनल ईयर के छात्रों को 10% एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास किया जाए। इसके साथ साथ कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते चलते लोगों के जो रोजगार के साधन है वो खत्म हो चुके हैं, प्राइवेट नौकरियां चली गई है, काम धंधे बंद पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार 6 महीने की जो फीस है लास्ट की वो भी माफ़ करे। इस मुहिम को लेकर हमने आज एनएसयूआई का यहाँ पे धरना भी किया और पिछले कुछ दिनों पहले जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और छात्रों के हितों के लिए आखिरी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और यूजीसी की जो गाइडलाइन है, आज हमीरपुर में ऐतिहासिक गांधी चौक पर यूजीसी की गाइडलाइन जलाकर यूजीसी गाइडलाइन का विरोध करेंगे, यूजीसी के नियमों का विरोध करेंगे जो छात्र हित में नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय एनएसयूआई।